हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो माय स्वीट फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी ये धोती लुक वाला साड़ी किस तरीके से पहनना है। तो बॉर्डर वाली साड़ी लीजिएगा, इसके लिए पूरा एंड से एंड तक बॉर्डर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे एक पैर पे बॉर्डर नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं थी। तो किस तरीके से मैंने पहना है वो आपको बताने वाली हूँ। और भी साड़ियों की स्टाइल मैंने बहुत सारी वीडियो में डाली हुई है, तो आप जिसको भी देखनी हो चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। आपको कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये देखिए, इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। पार्टी वेयर है, आप पार्टी वगैरह में भी इस तरीके का लुक बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो और आप एक कमर के पास थोड़ा सा कमर बंद पहन लोगे तो और भी प्यारा लगेगा। ये पीछे का लुक है और ये फ्रंट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कैसी लगी आपको साड़ी की स्टाइल ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बैक का लुक है, आप देख सकते हैं बॉर्डर पैरों पे आएगा, फ्रंट पे आएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्टाइल के लिए आप बॉर्डर वाली साड़ी लें। ओके, तो इस तरीके आप इसको लेगीज पे ही पहनोगे, ये पेटीकोट के साथ नहीं पहना जाता है। तो आपको पहले जो हमारा एंड वाला कमर के पास पहनने वाला साड़ी वो पार्ट होता है उस वहाँ से डेढ़ मीटर तक साड़ी छोड़ दोगे। उसके बाद से इस तरीके से टाइटली यहाँ पर कमर पर साड़ी को बांधोगे, डेढ़ मीटर साड़ी इस साइड छोड़ने के बाद से यहाँ पे डबल टक कर देंगे ताकि मतलब साड़ी खुल ना जाए इसके लिए। ओके, और भी डिफरेंट टाइप्स की साड़ी आपको सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी आपको दोनों साइड की साड़ी को पैर के नीचे से दूसरी साइड लेके जाना है। ओके, अगर आपकी लेगिज मेरी तरह लॉन्ग है तो आप थोड़ी सी लेगिज को ऊपर की तरफ खींच लोगे। तो इस तरीके से लेना है, एकदम टाइटली होना चाहिए। दूसरी साइड से भी आपने दूसरी तरफ पैरों को ये कर लेंगे साड़ी को। तो इस तरीके से जो आपने बैक में साड़ी की थी वहाँ से आपको केयरफुली एकदम प्लेट्स करनी है और बैक में इसको अंदर की तरफ इस तरीके से इन कर देना है। ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इन करने के बाद से फिर जो बाकी बचा हुआ साड़ी है उसको भी अच्छे से प्लेट्स बना लीजिए। ओके, और इसको फ्रंट के साइड में इस तरीके से इन कर दीजिए जितनी आपकी लेंथ हो उसके हिसाब से। ओके, अब जो दूसरी एक साइड का पैर का तो हमारा देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक बन गया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको करना है। दूसरी साइड का साड़ी जो है हमारा वो हमारी प्लेट्स बनेंगी। तो पहले प्लेट्स को आप अच्छे से सेट कर लीजिए और टाइटली एकदम पैर के पास जो आपका बॉर्डर दिख रहा है उसको एकदम टाइट टक कर लीजिए। अगर लूज पड़ेगा तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि लूज पड़े तो क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से प्लेट्स बना लीजिए और जितनी आपको प्लेट्स की लेंथ चाहिए उतना आप ले लीजिए, जितनी लंबाई चाहिए आपको आंचल का, और यहाँ पे पिनअप कर लीजिएगा। और उसके बाद से बाकी बची साड़ी को फिर से आप प्लेट्स करेंगे और बैक साइड में ले जाके इसको भी इन कर लेंगे। ओके, बैक साइड में ले जाके इस तरीके से इन कर लीजिए। और अब आती है पैरों की बारी। जो पैर के पास आपका ये लूज पड़ा हुआ दिख रहा है पहले अच्छे से इन कर लीजिए। उसके पास जो ये पैर के पास आपका लूज पड़ रहा है इसको क्या करना है, आपको ये वाला बॉर्डर पीछे की तरफ ले जाके उसको अंदर की तरफ से इन कर देना है। ऐसे नहीं, यहाँ से टाइटली ऐसे खींच के ले जाना है। आप ध्यान से देखिए, मैं अभी करके दिखाती हूँ। ये वाला जो आपका बॉर्डर है इसको एकदम पीछे की तरफ लेके जाइए और इसको पीछे टाइट कर लीजिए। आपने देखा पैर के पास से सिंपली उठा के पीछे की तरफ ले जाके उसको टाइटली टक कर लीजिए और ये आपका पैरों के पास एकदम टाइटली फिट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके साड़ी का। तो अभी मैं इसके साथ ब्लाउज पहन के आ जाती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा आपकी साड़ी का। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये बैक से फ्रंट से। आई होप अच्छा लग रहा हो आपको ये साड़ी का स्टाइल। धोती साड़ी इस तरीके से आप पहन सकते हो।
तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिसको भी धोती साड़ी पहनना हो, पहनना सीखना हो, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई स्टाइल सीखने, यहाँ पर आप कमरबंद जरूर बांधिएगा, उससे और भी अच्छा लुक आता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। प्लीज़ गाइज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और भी बहुत सारी साड़ियों, साड़ी स्टाइल और मेकअप स्टाइल, हेड शेप वाला मेकअप लुक, कैसे कि एनिमल लुक, गर्ल टू बॉय ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप लुक, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताती हूँ। हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, परफेक्ट तरीका क्या है, सब कुछ मैं अपने चैनल पर लेके आती हूँ। तो आपको जो कुछ भी सीखना हो प्लीज़ जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको दोबारा से देखना हो हेयर स्पा घर पे कैसे करें ये सब मैं बताती हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।